या सियासी मुबस्सिरीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सियासी पार्टियों के लीडर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उसको एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ पर आता है 5 का 5 और हम आपसे वादा बंद रहते हैं कि हम आपको बताते हैं खबर तह तक। तो जरा खबर तह तक में सबसे पहली खबर पर आते हैं जिसे अभी तक आपने सबसे ज़्यादा देखा है। तो पहली खबर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बज कर रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगरचे अभी कोई भी वाजिया शेड्यूल जारी नहीं किया गया कि कब जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात होंगे, कैसे होंगे, चिमेगोइयां बहुत कुछ चल रही हैं। कुछ मकामात पर कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, कुछ मकामात पर कह रहा है कि 4 मरहलों में चुनाव होंगे, लेकिन तस्वीर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर कमेटी की है। श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर कमेटी का इजलास हुआ। साबिक वजीर खजाना अब्दुलरहीम रातर की सरबराही में इजलास हुआ और मुसलसल ये तीसरा इजलास था जब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और पार्टी के लीडर्स के साथ मशावरत का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है। पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुबह पर आज बाद सपहर यह इजलास हुआ, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा इक्तसादी सूरत हाल के साथ साथ सलामती सूरत हाल, दरपेश मसाइल और दीगर मामलों पर तबादला ख्याल किया गया और हर एक बात की गहराई से सोचने के बाद इस पर हिकमत अमली किस तरीके से तरतीब जाए इस हवाले से तजवीज़ें भी दे दी गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहले ही ओपन सोर्स से काफ़ी तजवीज़ें आई हैं, पार्टी ज़राए के हवाले से ये बात सामने रखी जा रही है, तहम एक एक करके आज बहुत सारे मामलों को पार्टी के मंशूर में डालने का फैसला भी दे दिया है। तो ये थी बात, पहली खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर इजलास जो श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुआ। दूसरी खबर पर आते हैं और यह खबर दिल को दहला देने वाली है क्योंकि मामला असमत रेजी का है और यह असमत रेजी का वाकया जो है यह जिला बारामूला के अंदर पेश आया है और पुलिस ने उस उस्ताद की गिरफ्तारी की है जिसने एक नाबालिग बच्ची की असमत रेजी करने की कोशिश की। जिला बारामूला की यह खबर है और पुलिस ने बाजाब्ता तौर पर इस मामले में FIR भी दर्ज की है और तमाम FIR दर्ज करने के साथ साथ रिलेवेंट कानून जो है उसके तहत आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। तीसरी जमात की तालिबा थी, उड़ी बारामूला से इनका ताल्लुक था कि उस्ताद ने उन्हें जबरदस्ती की है और जब ये रुदाद उन्होंने अपने अहले खाना से सुनाई तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आगे आकर शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अब इस खबर पर आपने हमारे सोशल मीडिया पर तरह तरह की तनकीद, तरह तरह की बातें रखी हैं, वो कुछ बातें मुझे सही लगी, कुछ आउट ऑफ बॉक्स लगी, लेकिन वो बात आपकी है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर कि एक बेटी की असमत तार तार हुई है और ये तार तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि इलाके का उस्ताद था जिसे कौम का म्यांमार माना जाता है। तीसरी खबर पर आते हैं और यह खबर भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि सिक्योरिटी से मुंसलिक है और यह मामला इस वक्त सामने आया डोडा से, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने 3 मुश्तबा लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। 3 सिक्योरिटी के जवान, 3 टेररिस्टों की, 3 मिलिटेंटों की तस्वीरें जारी की हैं और इनके बारे में ये शुबा है कि ये डोडा और बसीला के आसपास के इलाकों के अंदर है और ये कई अहम मामलात में भी मुलविस है। ये वो 3 लोग हैं जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं और 5 लाख रुपया इनाम देने का भी ऐलान पुलिस की तरफ से किया गया है। तकरीबन आधे दर्जन के करीब फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन दिए गए हैं जिनके साथ रब्ता किया जाए और वो लोग फिर उनके नाम को खुफिया रखेंगे और प्रोग्राम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आज पुलिस की तरफ से जारी की गई है जिन पर यह शुबा है कि यह डोडा और आसपास के इलाकों के अंदर है और गुज़श्ते दिनों वहां पर हुए वाकयात में इनका बराह रास्त हाथ भी है, पुलिस की तरफ से इसके जारी किया गया है। इसके बाद चौथी खबर पर आते हैं, बड़ी अहम और दिलचस्प खबर नहीं है बल्कि दिल को दहला देने वाली खबर है क्योंकि एक मासूम बच्ची की हलाकत हुई है। न सिर्फ मासूम बच्ची की हलाकत हुई है बल्कि पूरा खानदान तबाह हुआ है। खबर सिंथन टॉप से है जहां पर सिंथन कोकरनाग रास्ते पर आज सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया, 8 लोगों की मौत हुई और उन 8 लोगों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। एक गाड़ी को हादसा पेश आया है और पूरी तौर पर उन्हें कोकरनाग लाने की कोशिश की गई, ताहम जब तक वो अस्पताल आते तब तक वो दम तोड़ बैठे थे। याद रखिएगा आज 3 बजे से इस शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था लेकिन उससे पहले ही सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अधिकार का पूरा खानदान लुकमय अजल हुआ है। डायरेक्टर जनरल पुलिस
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत इंतजामिया और पुलिस के कई अफसरों ने इस पर ताजियत का इजहार किया है और इस तरीके की वारदातें ना हो इस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब देने की भी बात सामने रखी गई है। सिमथन पर एक्सीडेंट हुआ, कम सिन बच्ची समेत तकरीबन 8 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। आखिर पर पांचवी खबर पर आते हैं और बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो हमने कल आपके सामने रखी थी कि हिजब इख्तलाफ का इजलास होने जा रहा है और यह हिजब इख्तलाफ का इजलास 7 अगस्त को होना था जिसकी तस्दीक खुद मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की, जिन्होंने ये खत रवाना किए थे और तमाम सियासी जमातों को ये खत मौसूल भी हुए थे। ताहम इतला ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सबसे सीनियर सियासतदान है वो अदीमुल फुर्सत है उस दिन और उस वजह से डॉक्टर फारूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पर इस इजलास को मुअख्खर कर दिया गया है। अब यह इजलास हिजब इख्तलाफ का जो अपोजिशन का इजलास है फिलहाल नहीं होगा, अगली तारीखों का ऐलान तारिगामी की तरफ से किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 7 अगस्त को यह इजलास होने वाला था अब ये नहीं होगा। यह थी 5 खबरें जिन्हें आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा। फटाफट से आज की पहली और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, जहां से इतलात और खबर यह है कि बैट ऑपरेशन पाकिस्तान के फोर्सेस की तरफ से करने की कोशिश की गई जिसे नाकाम बनाया गया है। ताहम इस ऑपरेशन के दौरान मछिल सेक्टर के अंदर जो हुआ है इसमें अभी तक 5 जवानों के बुरी तरह से जख्मी होने की खबर सामने आई जिसमें एक जवान दम तोड़ बैठा है। इधर आज सुबह जब मछिल सेक्टर के इन जंगलात के अंदर ये कार्रवाई हो रही थी तो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके को मुहासरे में भी लिया है। आखिरी इत्तला मिलने तक यहां पर यह ऑपरेशन जारी है, जहां एक तरफ से फौज के 5 जवान, 4 जवान जख्मी और एक की मौत हुई है वहां पर एनकाउंटर ये झड़प के दौरान, वहीं पर एक अदम शिनाख्त शुदा लाश भी बरामद हुई है जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और बैट ऑपरेशन के दौरान यह उन अफराद के साथ था। अगरचे सिक्योरिटी एजेंसीज ने बैट ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया है, ताहम उन्होंने कहा कि एक पिकेट को हमला करने की कोशिश की गई है। ताहम खुफिया जराए और दीगर इतलात के मुताबिक और खबरसा इदारों के मुताबिक इस तरीके का जुमला जो है वो तहरीर किया गया है। हम सीधे शाहिल शमीम के पास चलेंगे कुपवाड़ा, जो सुबह से लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए हैं और थोड़ी देर पहले भी अपडेट कर रहे थे। शाहिल, अपडेट करें कि सुबह जब इस जंगल के इलाके के अंदर ऑपरेशन किया गया था तो तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, अब कुल मिलाकर एक अवामी, एक सिविलियन जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है और एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है, लेकिन खबर यह है कि यह पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो बैट ऑपरेशन पहले किए जा रहे थे लगभग उसी तर्ज का ऑपरेशन है। क्या कुछ फौज की तरफ से कहा जा रहा है, फौजी जराए आपको क्या कुछ कह रहे हैं और इस वक्त पूरे मछिल सेक्टर की क्या कुछ सूरत हाल है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुबह से यही खबरें जो है गश्त कर रहे थे कि 5 जवान जो है वो इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं जिनमें से एक जो है जख्मों की ताब लगाकर दम तोड़ बैठा है, लेकिन अभी अभी जो है फौज की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें जो है 2 फौजी अहलकार जख्मी हुए थे और दोनों को जो है अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर जो है इलाज मुआवजे के लिए जो वो पहुँचाए गए तो उनमें से जो है एक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है, एक जख्मी है, ये फौजी तर्जमान का मानना है। लेकिन जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है, हालांकि सुबह से ही जो है निजी इदारों के साथ साथ ज़राए से हमें मालूम हुआ था कि ये बैड एक्शन हो सकता है, लेकिन फौजी तर्जमान के मुताबिक ये बैड एक्शन नहीं है बल्कि ये दरअंदाजी की एक कोशिश को जो है फौज ने नाकाम बनाया है। दरअंदाजों ने जो ही दरअंदाजी की कोशिश की उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग की और पिकेट को निशाना बनाया, जो इस पिकेट में 2 फौजी अहलकार जो तैनात थे ड्यूटी पर थे वो दोनों जो है जख्मी हुए हैं। तो कुल मिला के हम यूँ कह सकते पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और इस इलाके में जो है बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है, लेकिन इस एनकाउंटर में जो है अभी ये कहना मुश्किल होगा क्या ये दरअंदाज इस बार आए थे नहीं आए थे, अभी ये बातें जो है सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें जो है एक फौजी अहलकार जो है वो हलाक हुआ है। बहुत शुक्रिया शमीम मर्जा ज्वाइन करके अपडेट करने के लिए। फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है, एक जवान के मारे जाने की तस्दीक हुई है, बैट ऑपरेशन की तरदीद हुई है, लेकिन वसी इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है, एक तरफ से ये खबर है। अब जरा ये तो थी लाइन ऑफ कंट्रोल की, जब LOC कह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल क्या कुछ है, इस हवाले से हमारे पास बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है और जम्मू के अंदर मुसलसल रेड अलर्ट था, तमाम इदारे अलर्ट थे। इस बीच पाक भारत सरहद की निगरानी के लिए मजीद
दस्ते तैनात किए जाएंगे और सरकार की तरफ से इस बात को मंजूरी दे दी गई है कि दो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ बटालियंस उड़ीसा से ट्रांसफर करके जम्मू तैनात की जाएं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उड़ीसा से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दो बटालियन को उठाया जा रहा है जिन्हें जम्मू के अंदर तैनात किया जाएगा और जम्मू के अंदर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इनकी तैनाती होगी क्योंकि कुल मिलाकर 2,279 किलोमीटर लॉन्ग बड़ी जो है लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पंजाब राजस्थान गुजरात से होते हुए जम्मू तक चली जाती है और उन्हीं में से 2,229 में से 485 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो जम्मू रीजन के अंदर आता है और यहाँ पर निगरानी के लिए अब मजीद बीएसएफ को तैनात किया जाएगा। इब्तदाई खबरों के मुताबिक रजौरी पुंछ रियासी उधमपुर कठुआ डोडा के अंदर रवां साल के दौरान बैक टू बैक कई हमले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान भी उठाना पड़ा और इस बीच इतलात ये है कि इसी रास्ते का इस्तेमाल अक्सर मिलिटेंटों ने इन्फिल्ट्रेशन के दौरान किया है। मजीद क्या कुछ खबर है, कहां पर तैनाती होगी, कब तक यह तैनाती होगी, इमरान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान नायक को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि जम्मू अलर्ट पर है, जगह जगह पर नाके तलाशी कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं, बॉर्डर बेल्ट के अंदर मजीद तैनाती होगी, क्या कुछ ये डिटेल है और क्या वजारत दिफा की तरफ से या दाखिला की तरफ से इसकी तस्दीक हो गई है? जम्मू जो पीसफुल इलाका माना जाता था कहीं महीनों से जम्मू में जो सूरत हाल बनी है मिलिटेंसी के जो अटैक्स है उसमें इजाफा हुआ है जिसमें अगर देखा जाए तो 22 लोगों की अब तक जो है जानी चली गई है जिसमें 11 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शामिल है। तो इस पूरे तनाजुर में अब होम मिनिस्टर की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से एक आला सतही मीटिंग का जायजा लिया गया और बीएसएफ की तरफ से भी जम्मू और दिल्ली के अंदर मीटिंग ली गई, जायजा लिया गया और उसके बाद फैसला लिया गया कि जम्मू के अंदर अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की दो बटालियंस जो ओडिशा से मुंतकिल की जाएंगी उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और अब वो जम्मू के उन इलाकों में तैनात की जाएंगी जहां पे मिलिटेंसी से मुतासिरा इलाके हैं, यानी उन इलाकों में जहां मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और अब दो बटालियंस बीएसएफ की तैनात की जाएंगी, उड़ीसा से उन्हें मुंतकिल किया जाएगा जिनकी तादाद 2000 से ज़ायद है और जो हमारे पास इतलात है उनके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सांबा और जम्मू और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पे इन्हें तैनात कर दिया जाएगा। और इस हवाले से ये बताया गया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन या सरहद पर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, एक तो दरअंदाजी को रोकना है, दूसरा ये कि ये जो हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों पर, तो इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लिया गया और उसके बाद ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ की से बीएसएफ की जो दो बटालियन से जो दो यूनिट्स है वो अब यहाँ पे जम्मू में तैनात कर दिए जाएंगे। गुज़श्ते दिनों जो सूरत-ए-हाल बनी थी उसके पेश नजर अब सिक्योरिटी के मजीद दस्ते जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात किए जाने और जम्मू प्रोविंस के कठुआ सामा बेल्ट के अंदर जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब और जो पाकिस्तान है उनका बॉर्डर मिलता जुलता है, तो वहां पर यह तैनाती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 485 किलोमीटर वाली लंबी सरहद पर मजीद बीएसएफ के दस्ते तैनात किए जाएंगे, दाखिला वजारत की मंजूरी हो गई है और अगले हफ्ते ये तैनाती ग्राउंड जीरो पर भी दिखेगी। अब आते हैं जी आगे बात जरा सियासत की भी करते हैं, यौम तासीस की करते हैं क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज यौम तासीस की तकरीब श्रीनगर के अंदर मनाई गई। इस जिमन में एक बड़ा आवामी इज्तिमा भी किया गया जिस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान भी दिया है। अगरचे बीजेपी पर तनकीदिया अंदाज में उन्होंने कई बातें सामने रखी, तहम मुफ्ती सईद के डॉक्ट्रिन या मुफ्ती सईद के मंशूर को ही हतमी मंशूर बताया जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को ठीक करने के लिए। पीओके का जिक्र आज महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में किया और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पीओके को अपने साथ मिलाना चाहता है उससे पहले यह बड़ी जरूरत है कि पीओके के आर पार की लोग, आर पार की लीडरशिप साल में तकरीबन दो बार मिला करें और तब जाकर यह मामला आगे बढ़ सकता है। उन्होंने तनकिया अंदाज में यह भी कहा कि जिस तरीके से बयानात दिए जा रहे हैं इसी कमरों में बैठकर जमीनी सूरत हाल कुछ अलग है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का लिया गया फैसला कि बीजेपी के साथ इतिहाद करना है
हुकूमत बनानी है, इसका भी आज एक बार फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा दिफा करती हुई नजर आई और कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ मुल्क और रियासत के मफाद में था जो फैसला लिया गया। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्या कहा, फटाफट से इसको सुन लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ साजिद यूसुफ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, स्पोक्स पर्सन है। खुर्शीद आलम साहब सीनियर लीडर हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शेख उवैस तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं। जम्मू कश्मीर का हल मुफ्ती साहब के एजेंडे के बगैर और कोई नहीं है। अगर जब भी हल होगा करना पड़ेगा आपको हल, अगर आप चाहते हैं लोग राजकुमारी की तरफ ना जाएं, बाहर की तरफ ना देखें, इधर देखें, इस मुल्क की तरफ देखें, तो मुफ्ती साहब की डायरी खोल दीजिए। अमित शाह साहब आप कहते हैं मैं वो कश्मीर लाऊंगा, अब जब वो लाएंगे आपने हमारे, हम मुसलमानों को भी बोलते हो पाकिस्तान जाओ उनको कहलाओगे, मगर आपके लिए एक गुजारिश है, जब तक आप उनको लाने जाओगे तब तक इस कश्मीर और उस कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं उनकी कमेटी बनाओ, हमको मिलाओ, हमको मिलाओ, हम साल में बैठेंगे दो बार और जो हमारे मसले मसाइल है उस पर बात करेंगे। हिम्मत अनुशिया साहब आप कहते हैं मैं वो कश्मीर लाऊंगा, कश्मीर तो दूर की बात है, उनके 30 नुमाइंदे लाई है, हमारे 30 नुमाइंदे इकट्ठे बिठाई है हमें, क्या कर सकते हो आप ऐसा, क्या आपकी हिम्मत है, क्या आपकी इतनी देशभक्ति है वाजपेयी की तरह कि आप जम्मू कश्मीर के लिए अपनी अना को कुर्बान करोगे। चलिए जनाब, महबूबा मुफ्ती साहिबा को आप सुन रहे थे, तंजिया अंदाज भी था और गिला भी था और एक डॉक्ट्रिन भी उन्होंने आज पेश किया है, इस पर जरा बात करते हैं। साजिद यूसुफ तर्जमान भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, खुर्शीद आलम साहब सीनियर लीडर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और शेख उवैस साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साजिद यूसुफ साहब, डिबेट का आगाज ये आपसे करेंगे, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज जिस तरीके से तंजिया अंदाज भी था और एक डेयरिंग चैलेंज भी दिया कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे इस तकरीर को देखें आप, किस तरीके से बीजेपी इसको डिकोड कर पा रही है? याद होगा आपको जब पिछली बार जब इनका प्रोग्राम इसी पार्क में था तो यही सेम स्पीच बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। महबूबा जी ये चीज बता रही है कि यहाँ के लोगों से बात करनी थी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि महबूबा जी वकालत किस चीज की कर रहे हैं। लोगों ने तो उनको महबूबा जी को रिसेंटली इलेक्शन में उतरा दिया, लारवी साहब को मौका दे दिया, दैट मीन लोगों को महबूबा मुफ्ती जी की जो सोच है उस पर उनको डाउट लग रहा है, इसलिए उनको रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार। रही बात बात करने की, मैं आपको कहता हूं महबूबा जी आप बात किससे करना चाहते हैं, आप कहते हैं बाप की बात कीजिए, आप डेलीगेशन से लाइए पीओके से बात, आप वहां की डेलीगेशन जो है वहां की डेलीगेशन से बात कीजिए, किस डेलीगेशन के बारे में, क्या आप सलाहुद्दीन को डेलीगेशन का हिस्सा मानते हैं, किसको मानते हैं आप बात? जब डेलीगेशन जब मौका मिला था इनको बात करने का तब तो हुजरत ने लोगों के उस टाइम तो दरवाजा बंद कर लिया था। आप ही खुद कहते हैं आपकी अपनी स्पीच में आपने कहा कि भारत के बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो थे जब वो कश्मीर आ गए तो इन लोगों ने हुजरत वालों ने तब उस टाइम दरवाजा बंद कर लिया, अब वो मौका रहा नहीं। 5 अगस्त 2019 को उसका फैसला हुआ, आज जम्मू कश्मीर जो है आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हालात में बेहतरी आई है, तो जम्मू कश्मीर का जो फैसला है वो 5 अगस्त को हुआ था। अगर आप बात होगी पीओके की बात होगी और बात जो है पाकिस्तान से कभी नहीं होगी, पाकिस्तान कभी कश्मीर का ना स्टेक था नहीं, साजिद यूसुफ साहब मसला तो ये हो गया, लेकिन ना पीओके की बात तो दूर है, जरा पीओके के और जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में मिलने दें, लीडरशिप को मिलने दें, तब जाके आगे बढ़े। देखिए कश्मीर जम्मू कश्मीर में पहले 5 अगस्त से पहले क्राइसिस चल रही थी, आपको लगता है कि उस क्राइसिस में लेके पीओके के लोग यहाँ जम्मू कश्मीर यहाँ भारत के साथ मिलने के लिए राजी होंगे? वो इट वॉज नॉट पॉसिबल। 5 अगस्त के बाद अगर वहाँ पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट याद दिला दूं जहाँ पे पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है। मैं आपको याद दिला दूं जब पीओके ने कहा कि बॉर्डर खोल दे, क्योंकि रीजन बिंग इट वॉज द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लीडरशिप। 5 अगस्त के बाद जब उन्होंने हालात देखी, यहाँ हालात में बेहतरी देखी, G20 देखा, थोड़ी सी वजाहत करें,
क्या था मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन? कहा कि जनाब बिस्तर अलालत पर थे तब भी जम्मू कश्मीर की फिक्र थी, और ये जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद हुआ था जिसको लेकर बाद में आपकी पार्टी के अंदर भी काफी बगावतें हुई, काफी बातें हुई, आज एक बार फिर उसको डिफेंड करने की महबूबा मुफ्ती साहब से कोशिश की गई, क्या ये वालिद की मोहब्बत थी या एक और बार उस सिस्टम की ओर जाने की कोशिश हो रही है? एक मिनट लूंगा गवर्नर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया मुझे शामिल करने के लिए। आज 28 जुलाई रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, क्योंकि इस रियासत में एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी, कोई तंकीद, कोई आवाज, कोई उनके साथ दूसरी ओपिनियन मौजूद नहीं थी। ये 28 जुलाई 1999 को मुफ्ती साहब की जो पेश का एक बुनियाद डाल, एक मुतबादल अवाम को पेश किया जो आज एक तनावर दरख्त की हैसियत इख्तियार कर गया। तो मैं समझता हूँ ये न सिर्फ पीडीपी के लिए बड़ा दिन है, रियासत जम्मू कश्मीर के जमहूरी मिजाज रखने वालों के लिए भी 28 जुलाई पीडीपी का वजूद एक मुबारक दिन, ये मेरा मानना है। मैं जाती तो सारे लोग जो हम पीडीपी के इदारे हैं या बाशऊर जो लोग हैं वो ये मानते हैं। रही बात आज की तकरीर जो महबूबा जी ने करी, महबूबा जी ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट को खुले बंदू पे कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि आप इस बात का इहाता करिए कि आपने 2019 5 अगस्त के बाद पिछले 5 सालों में रियासत जम्मू कश्मीर में क्या हासिल किया। आज भी आपको जिसका जो यूसुफ साहब अभी बात कर रहे थे, हालिया इलेक्शन जो पार्लियामेंट के हुए, क्या आपको नहीं लगता कि उस नजरिए को तकवीर पहुंची जिस नजरिए के खिलाफ 5 अगस्त का 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर को कमजोर कर दिया गया, छीना गया हर कोई हक हमारा हमारा, जो खसूसी तशख्स था। आप बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट्स को अगर एनालाइज करेंगे विद ऑल सिंसियरिटी एंड अनबायसली तो आप देखेंगे कि जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टी थी उनको रिजेक्ट करके उन तराने वालों को जो राजशुमारी के तराने गाते रहे, जो असेंबली में राजशुमारी की बातें करते रहे, लोगों ने उनके हक में वर्डिक्ट दिया, तो ये हासिल हुआ कि क्या हम बैक टू पेवेलियन नहीं जा रहे हैं, क्या हम नाकाम नहीं हो रहे हैं, क्या हम मुल्क को रियासत जम्मू कश्मीर में उसी सतह पे लाने, लेकिन जब यही बात उमर साहब ने कही थी तो तब तो आपकी पार्टी की तरफ से बड़ा हमला बोल दिया गया था जनाब, ये कौन सी बातें हो रही हैं जी, ये किस तरीके से चल रहा है, आज आप उसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। आई एम नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ ऑफ उमर साहब, मैं बात अपनी पार्टी की कर रहा हूँ। आज महबूबा जी ने बात करी और यूसुफ साहब ने उस पर तबसरा किया, ये पार्लियामेंट जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक के सबसे बड़े टेंपल पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पीओकी हिंदुस्तान का मुल्क का हिस्सा है। आप जब बात करते हैं कि हम पीओके को इंडिया के साथ मिलाने के इकदाम की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये जंग से ही हो सकता है? क्या आप यहाँ के मेन स्ट्रीम पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपने तर्ज से बात करें? क्या फैसिलिटेट नहीं कर सकते कि वहां के लोगों तक हमारी बात पहुंचे, मुल्क की बात पहुंचे? What is wrong in that statement? क्या मैं ये समझूं कि ये रिडिफाइन था एक फाइन ट्यून में आज सेल्फ रूल को पेश करने के एक हिस्से को कोशिश की गई, सेल्फ रूल के एक हिस्से को आज एक फाइन ट्यून करके पेश करने की कोशिश की गई है? ये सेल्फ रूल क्या था? आप देखिए जो यहाँ पे 70 साल 75 साल हुकूमतें चली आजादी के बाद, अगर आप हुकूमतों की कारकर्दगी का ईमानदारी से मुहासबा करेंगे तो हर कोई जी शोर आपको कहेगा 2002 से जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के 3.5 साल की दौरे हुकूमत थी वो एक मॉडल गवर्नमेंट थी। डॉक्ट्रिन बताइए ना क्या था, आज कहा गया कि मुफ्ती फॉर्मूला ही लास्ट सॉल्यूशन है, मुफ्ती साहब का सॉल्यूशन बताइए क्या था? आई एम कमिंग टू दैट, जब मुफ्ती साहब की हुकूमत थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत सेंटर में थी, इट वॉज ए डॉक्ट्रिन ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद कि वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए और यहाँ से उन्होंने अमन का खैर संगाली का पैगाम पाकिस्तान को दिया, खुद यहाँ से पाकिस्तान चले गए, खुद यहाँ पे बातचीत के दरवाजों की बात की, यहाँ से उन्होंने बात करी कि दिल की दूरियां खत्म की जाएंगी, उन्होंने कहा शिकायत भी मिलने दले, वो तो माजी फिर तो आप मोदी साहब के बारे में भी आज बात की ना आपने,
मुफ्ती साहब का मुफ्ती साहब का विजन पहले वाला ठीक था या दूसरे वाला? कंफ्यूजन तो यहाँ पर भी है पीडीपी के लिए। मुफ्ती साहब का डॉक्ट्राइन अगर आप प्रिसाइजली कहो, मैं प्राइम मिनिस्टर ने उसका इहादा किया था, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, दैट वाज द डॉक्ट्राइन व्हिच वाज अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय द प्रेजेंट शेख उमर साहब। ओके सर, मैं आऊँ तो खुर्शीद साहब दोबारा आपके पास आऊँगा। वैसे साहब, आज जिस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि कैसे आप इसको देख रहे हैं? जब पार्टी जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही थी, आज की जनाब पीओजेके की भी बात हुई, मुफ्ती साहब के फैसलों को डिफेंड करने की बात हुई, जबकि आप लोग खुलकर इसकी मुखालफत कर चुके हैं माजी में। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मुझे शो में बुलाया। अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स एंड जो वहाँ पे पैनल में है। तो मैं तो खुर्शीद साहब से ये कहूँगा कि मैं 2014 इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे महबूबा मुफ्ती जी ने आवाम के सामने ये रखा कि हमें बीजेपी को दूर रखना है जम्मू कश्मीर से, और उस नाम पे वोट उन्होंने उस टाइम पे लिए। लोगों के घर घर क्या, गांव गांव क्या, शहर शहर क्या, हर एक जगह पे इनका एक वो नारा था कि बीजेपी को दूर रखना है और हमें वोट डालिए और बीजेपी को दूर रखिए। 2014 का ही एपिसोड मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब इनको हमारे कायद डॉक्टर साहब हो या उमर साहब हो, उन्होंने इनको बोला उस टाइम पे कि बीजेपी को अंदर आने मत दीजिए, आप बनाइए चीफ मिनिस्टर, आप मिनिस्टर्स बनाइए, हमें कोई भी पावर की कोई लालच नहीं है, आप इनको आने मत दीजिए, आप बनाइए सरकार। क्योंकि मोदी जी का देखो, आज आप ब्लेम करोगे, जब हम नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स देखते हैं, उनका खुला मंशूर ये था कि हमको 370 को खत्म करना है, और उनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी इट वाज देयर। बट हम मानते हैं कि वाजपेयी जी का जो दौर था, उनमें एक वो इंसानियत की बात, एक जमहूरियत की बात, एक कश्मीरियत का वो जो उन्होंने सच में वो स्टेप लिए थे वो था। बट मोदी जी का आप जब बैकग्राउंड देखते हैं, आप गुजरात गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर रहे, फिर वहां पे उनकी स्पीचेस, फिर जाके जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनका खुला मंशूर था कि हमको जी 370 खत्म करना है। मैं आप इसको ब्लंडर कहिए, आप इसको कश्मीरियों के साथ धोखा कहिए, ये उस टाइम पे पीडीपी ने ही दिया 2014 में। मुफ्ती डॉक्टर ने तबाही मचाई है। देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो लाइक यू नो कि वी टेक ए पब्लिक ओपिनियन, लाइक ये तो लोगों के सामने अब समझ आ चुका है। जब ये पावर से बाहर अब गए, अब इनको याद आया मुफ्ती मरहूम मुफ्ती साहब का जी डॉक्ट्रिन है वहां पे कि देखिए मुफ्ती साहब ने जी ये मुफ्ती साहब का जी ये प्लान था। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वेलकम करूंगा उन स्टेप्स का जिस टाइम पे मरहूम मुफ्ती साहब ने अटल वाजपेयी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो चीजें जब हुई यहाँ पे, बट इनको 2014 में इनको क्लियर कैटेगोरली पता था कि मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है पहला है, कि इनको 370 को खत्म करना है, इन्होंने उनको डोर्स दिखाए, रास्ता दिखाया। वो जो वाजपेयी साहब के साथ बड़ी उल्फत दिख रही है दोनों पार्टियों को, लेकिन जो ही मोदी रिजीम का आना है, तो महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही थी कि ना हमने तो बुलाया था, उम्मीद थी कि वो गाना और वो तराना वैसा होगा जो वाजपेयी जी साहब ने स्टेडियम के अंदर गाया था, लेकिन यहां पर तो तराना कुछ अलग हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ हुकूमत में रहे। ये बीजेपी के साथ मोहब्बत का इजहार है या लीडरशिप के साथ तनाव है? देखिए, मैं आपको बता दूं जावेद साहब, बीजेपी के साथ ना कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रॉब्लम थी, ना पीडीपी को प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम भी वही सेम था, आज जो मोदी साहब के पीरियड में वो भी सेम है। 370 का जिक्र उस टाइम भी था जब वाजपेयी जी थे, मोदी साहब जब थे 370 का जिक्र तब भी था। 370 आज हट गया, लेकिन मंशूर जो था वो वाजपेयी साहब के टाइम पे ही था, तब पीडीपी एनसी को तब बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोदी साहब से दिक्कत है क्योंकि मोदी साहब इनके साथ हाथ नहीं मिला रहे। जब हाथ मिलाने का टाइम आ गया तो मोदी साहब अच्छे इंसान बन जाएंगे। मुझे याद है, अच्छे से स्टेटमेंट है याद है महबूबा जी के, कि मुझे अगर कश्मीर का कोई अमन या कोई रास्ता नजर आता है वो मोदी जी के ही नेतृत्व में नजर आ रहा है। महबूब जी के स्टेटमेंट्स है, आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, महबूब जी तो बार बार जो है उनकी तारीफ ही कर रहे थे। मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर 2019 के बाद नहीं बने, जब इनकी सरकार पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी तब भी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब थे,
तब तो कोई दिक्कत नहीं थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, लेकिन हाँ सरकार बदलने के बाद सरकार गिरने के बाद मोदी जी और ऑप्शन खराब हो गए। अगर आप 2014 के जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी की बनी, मैं अपने भाई को ये बात कहना चाहूंगा, अगर आप स्कोर से देखेंगे तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। भारतीय जनता पार्टी का मंशूर 70 साल रहा कि 370 को हटाना है। इट वाज द टॉवरिंग लीडरशिप ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद कि उन्होंने लिखे हुए एग्रीमेंट जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के दरमियान हुआ उस वक्त, उसमें लिखा गया कि 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड कि लीडरशिप की ताकत क्या थी, कयादत की कामयाबी क्या थी। तो क्या मैं ये मानूं, ठीक है ठीक है खुर्शीद साहब, क्या मैं ये मानूं कि मुफ्ती साहब बड़े मजबूत इरादों के आदमी थे और उन्होंने दिल्ली तक पैगाम पहुंचाया, लेकिन जब कमान सेकंड इन के पास चली गई, महबूबा मुफ्ती साहब के पास चली गई, हालात बिगड़ गए और उनसे ये काबू नहीं हो पाया। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपके पास भी कागजात होंगे, सारे रिकॉर्ड होंगे, टू कीप दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट। जो फैसले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये सिर्फ वजारत हासिल करने के लिए नहीं बने थे, इसमें डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, पावर सिटेशन हमारे जनरेशन वापस करने की बात हुई थी, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के रास्ते खोलने की बात हुई। मैं तो मानता हूँ राघव साहब ने और कुछ लोगों ने काफी कैंपेन किया नागपुर में बैठकर, वो सारा कैंपेन चला, ये मैं मानता हूँ, रिकॉर्ड करना, लेकिन एक चीज बताइए ना, मुफ्ती साहब के दुनिया से जाने के बाद क्या पीडीपी की लीडरशिप इतनी कमजोर हुई कि वो अपने एजेंडे को परस्यू कराने में नाकाम हुई? व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन एंड व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद? रास्ते खोलिए आपस में, हमें कारोबार के खुल गए। वो चाहते थे कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रास्ते लगते हैं, हमें सेंट्रल एशिया तक रसाई दीजिए। आज भी ये बात रेलिवेंट है, आज दुनिया एक दूसरे को खोल रही है, हर मुल्क एक दूसरे मुल्क को खोल रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चाहते थे कि जम्मू कश्मीर अमन का गहवारा बने, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का सब सब रिस्पॉन्ड करना चाहते। मैं बशीर साजिद साहब आपके पास दोबारा आऊंगा, दिल्ली में एक बात और कश्मीर में एक बात करने वाले लीडर नहीं थे, वो दिल्ली में भी वही बात करते थे जो जम्मू कश्मीर में आके बात, ठीक है जी वह सर, दैट वाज द क्वालिटी विद दैट। बताएं जी, आप कह रहे हैं दिल्ली में एक बात आप लोग करते थे और कश्मीर आके दूसरी बात कर रहे थे, फिर मैं मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ वो दिल्ली में भी भाई कान आप ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े, आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कान पकड़ रहे हैं ना, सीधी सी बात है जी। जी वह सर, ये मरहूम मुफ्ती साहब को ही, मुफ्ती साहब को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट मींस कि महबूबा जी का फेलियर था, फिर ये वो माने, अगर हम मानते हैं, मैं सी आई डोंट प्ले पॉलिटिक्स आउट हियर, इफ आई से थिंग्स व्हाट यू नो मरहूम मुफ्ती साहब हैज डन, आई रिस्पेक्ट इट, लाइक यू नो विद वाजपेयी जी जो उन्होंने उस टाइम पे किया, जो उन्होंने ये पाकिस्तान रोड खुले, बिजनेस हुआ, खुशहाली आई वाजपेयी के टाइम पे, वो कश्मीरियत जमहूरियत इंसानियत लिटरली वाजपेयी जी ने दिखाया उस टाइम पे कि वो अमन के जिसको कहते हैं वो अमन में वो यकीन रखने वाले थे। मतलब यू मीन टू से कि महबूबा जी का फेलियर था कि उन्होंने बीजेपी को वेलकम किया 2014 में जब उन्होंने सरकार बनाई मरहूम मुफ्ती से के इंतकाल के बाद उन्होंने और में आए, तो फिर आप बोलता है ना वहां को कि वो महबूबा जी का वो फेलियर था। रही बात यूसुफ साहब की, जो हमारे बीजेपी के महाबूबा जी को मौका ही क्या मिला, 370 महबूबा जी को मौका ही क्या मिला अपने आप को साबित करने का, दो महीनों में ढाई महीनों में 716 शुरू हो गया, बुरहानवानी की एजिटेशन शुरू हो गई, उसको मौका कहाँ मिला कि वो अपनी काबिलियत अपने होने को साबित करती। खुर्शीद साहब, दुनिया के सारे महबूबा जी की आर्मी कैंप देखिए उस टाइम पे जो आप बात कह रहे हैं, उस टाइम पे अभी भी वो लोगों के दिलों में अभी भी बसा है। तुम वो टॉफी लाने गए थे कि दूध लाने गए थे? एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि एक हमारी स्टिंग चीफ मिनिस्टर अपने कौम के जो बच्चे उनको नसीहत करती, ना कि ये बोल के कि वो टॉफी लाने गए थे, कि टॉफी लाने दूध लाने गए थे उस आर्मी कैंप में, वो आज भी लोगों के जहनों में है। देखिये महबूबा जी की पॉलिटिक्स वो लोगों के सामने है, रही नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स वो भी कोई छुपी ढकी नहीं है, वो भी आवाम के सामने है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो हमारे यूसुफ जी, सजाद यूसुफ जी है, मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूं। अब मुझे बताइए कि 370 से अब कश्मीर का भला हुआ, उसको लेने से कि साजिद साहब का कैरियर नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल प्रश्न से भी चल रहा है। ठीक है, वैसा मुझे आखिरी सवाल जरा साजिद साहब से करूंगा, उसके बाद जैसे रिएक्शन में सबका लूंगा। ठीक है वैसा साजिद साहब, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब लद्दाख में थे, उन्होंने कहा कि जनाब अब 5 अगस्त बिल्कुल पास में है, 5 साल मुकम्मल आ जाएंगे और जो माजी की गलतियां, कोताहियां, डर, खौफ, दहशत था, उसका खात्मा हो गया है। जबकि आज आप एंटायर जम्मू कश्मीर को देखेंगे, करना से लेकर सांबा तक सिचुएशन आपके सामने है, बदला क्या है इन 5 सालों के अंदर? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हमारी जो है कमान जो है वो हमारे इनविजिबल एनमी पे है तो वी आर रॉन्ग। हमारा जो दुश्मन है वो कभी अपनी नीयत नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी जरूर बदल सकते हैं। अगर 5 अगस्त के बाद आपने कहा बदला क्या, 5 अगस्त के बाद ये बदला कि यहाँ का कश्मीरी अवाम जो है वो बंदूक नहीं उठाता आजकल। अगर कोई मारा जाता है फॉरेन टेररिस्ट मारा जाता है, कश्मीरी युवा जो है आज पढ़ना चाहता है, उसके हाथ में बंदूक नहीं है, उसके हाथ में पत्थर नहीं है, ये 5 अगस्त के बाद बदलाव है। आप कह रहे हैं कि जो आज जम्मू में हो रहा है या करनाल में हो रहा है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद लोकल सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिला, पाकिस्तान को यहाँ लोगों ने रिजेक्ट किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो स्ट्रेटजी थी, उनकी नीति थी, उसकी वजह से यहाँ पे जो है आइडिया ऑफ इंडिया को स्वीकार किया गया। सो इट इज अ वेलकम स्टेप। यस, आज अटैक्स हो रहे हैं, उसमें कोई नो शक नहीं है, बट इतना कन्फर्म है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है बिफिटिंग रिप्लाई दे रही है, और जो भी इस काम को अंजाम दे रहा है उसको कहीं ना कहीं ना बिफिटिंग रिप्लाई तो इससे पहले भी था ना। देखिए, 90s की सिचुएशन आपके सामने है, 96 की सिचुएशन आपके सामने है, 2000 की सिचुएशन आपके सामने है, बिफिटिंग रिप्लाई कब नहीं था ये मेरी समझ से भी बाहर है कि आज कहा जाता है ना बिफिटिंग रिप्लाई, वो तो पहले भी दिया जाता था, एनकाउंटर्स पहले भी होते थे, मिलिटेंट पहले भी मारे जाते थे, दरअंदाजियां तब भी होती थी, आज भी हो रही है, वो सुधर जाएगी। मैं यूसुफा से एक बात यूसुफा से पूछना चाहता हूं, जो बदला है वो आपके सामने है। हमारा सेब हमारे कोल्ड स्टोरेज में अब सट रहा है, भारत के बाजारों में चाइना से, अफगानिस्तान से, दूसरे ममालिक से सेब मंगाया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ठीक है। बस ये आखिरी चीज, ये बड़ा इल्जाम लग रहा है जिससे हॉर्टिकल्चर सेक्टर न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि हिमाचल का भी और उत्तराखंड का भी थोड़ा सा तबाह हो जाए, पूरी तरह से इस पर इल्जाम लग रहा है कि जनाब कोई पॉलिसी नहीं है, चाहे वो हिमाचल का है, जम्मू कश्मीर का है। सर जल्दी से जरा इसका जवाब दें सर, हमारे लोन, हमारी एजुकेशन, हमारे हेल्थ के सेंटर महबूब जी को टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं मिला। मैं आपको पहले उसका आंसर देता हूँ, आपने कहा महबूब जी को टाइम नहीं मिला था, क्या महबूब जी को 120 मारने के बाद भी टाइम नहीं मिला? किस चीज का वेट कर रहे थे कि वो 400 स्कोर पार कर ले? 120 तो ऑलरेडी मार चुके थे अपने टेनवर में, किस चीज का वेट कर रहे हैं? 120 मरे, 200 मरे, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार इस बात से मुनकिर नहीं है, किसी भी सरकारी दौर में यहाँ पे जो उथल पुथल रही, जो हमारे हमसाया ममालिक जो आप ही सहमति कर रखते हैं, जो यहाँ पे टर्माइल हुआ उसमें हर सियासी गवर्नमेंट यहाँ की थी, सेंटर की थी, गवर्नर राज था या उस पार्टी का राज था, इस पार्टी का राज था, इसमें मौतें हुई उसमें कोई शक नहीं है, वी ऑल फील इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, हमें इस बहुत सब लोगों को जो इंसान है उसको रंज है, लेकिन ये किसी शख्स या किसी हुकूमत के एक सार बांटना ये अच्छी बात नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, महबूबा जी ने चाहा कि यहाँ के लोगों को मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्वाब के मुताबिक पुरअमन माहौल मिले, ठीक है जी, उसने चाहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत, लेकिन हुआ क्या जनाब सबके सामने, मैं साजिद यूसुफ साहब, खुर्शीद आलम साहब और शेख भाई साहब, आपका इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा बड़ा काम था, मैं माजरत चाहूंगा कि इस डिबेट को इंशाल्लाह और किसी दिन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आज इतनी सी बात आप तीनों की तरफ से रखी गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ इस डिबेट में ज्वाइन करने के लिए। 5 के 5 मिनट वक्त मेरे साथ बस इतना ही, खबरों, तजियों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान पर जारी रहेगा, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हामी व नासिर।